मेघराज शहर में पेयजल की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है, लेकिन इस समस्या की ओर पालिका प्रशासन ने मानो मुंह फेर लिया है। यही वजह है कि कई इलाकों में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिग्रज शहर के मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, संभाजीनगर आदि इलाकों में 10 से 12 दिन बाद पानी मिलने से जल संकट से जूझ रही जनता बेजार हो चुकी है। ऐसे में यहां के नागरिक पानी की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। मोतीनगर में तो कोई हाथ गाड़ियों पर तो कोई साइकिल रिक्शा पर पानी के बर्तन घड़े लाद कर पानी की जुगत में व्यस्त है। न सिर्फ बड़े बल्कि घरों के छोटे बच्चे भी बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस समस्या से अनजान है। कई बार लोगों ने नगर पालिका पहुंचकर जलापूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन पालिका प्रशासन की हठधर्मी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। उपाय के नाम पर पालिका की ओर से टैंकरों की सुविधा उपलब्ध कराई जा तो रही है, लेकिन टैंकरों पर पानी के लिए जुटी भीड़ आपस में भिड़ रही है। नतीजतन टैंकरों से जारी पानी वितरण प्रक्रिया से लोग संतुष्ट नहीं है। जो लोग सक्षम हैं, वो पानी खरीद रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए पानी खरीदना मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर पानी के लिए तरस रही जनता हर सांस पर स्थानीय प्रशासन को कोस रही है। दिग्रज नगर परिषद प्रशासन की ओर से पानी को समस्या का मोतीनगर में बहुत सारा प्रॉब्लम जा रहा है। अरुणावती प्रकल्प होने के बावजूद भी हमें पानी खरीद कर लेना पड़ रहा है। हमारा तो छोड़ दीजिए, ठीक है हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छा है, हम पानी ले सकते, पर जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है उनको दर दर भटक कर पानी लाना पड़ रहा है। वैसे भी शहर की नगर पालिका का प्रशासन इन दिनों लावारिस हो चुका है। यहाँ धड़ल्ले से प्रभारी पद पर कार्यरत अधिकारियों का आना जाना और मुख्याधिकारियों के तबादलों का बवंडर जारी है, जिसमें जनता से जुड़ी पेयजल जैसी विभिन्न बुनियादी समस्याएं उलझ गई है। शहर के कई इलाकों में जहां बगैर किसी दिक्कत के नलों में पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर की एक बड़ी आबादी बूंद बूंद के लिए दर दर भटक कर संघर्ष कर रही है। पालिका प्रशासन को चाहिए कि वे समान रूप से लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ऐसी मांग शहर की बेबस जनता कर रही है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट।